नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में कार्यकारिणी भंग होने के बाद आम आदमी पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दीपक बाली को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बाली ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में अपने संगठन की नए सिरे से शुरुआत कर रही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बाली को नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए दीपक बाली के नाम की घोषणा की। वहीं दीपक बाली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं है, वो या तो जीतता है या सीखता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो 2022 के चुनाव हारे जरूर हैं पर हताश नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन पार्टी है और परिवर्तन होने में समय लगता है। सबसे पहले सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आने पर और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे दी है और मेरे पर विश्वास जताया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। तो आज हमारे ठीक है 2022 का चुनाव हम अपने पूरे मनोयोग से लड़े जरूर हैं, उसके रिजल्ट सकता है। आज केवल प्रदेश अध्यक्ष जी की नियुक्ति की गई है और किसी भी टीम का अगर कैप्टन चुना जाता है तो मुझे हमारा ये मानना है कि उसको कुछ समय दिया जाना चाहिए कि वो अपनी टीम भी सिलेक्ट कर सके। तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही, लगभग हमारा मानना है कि 5 से 7 दिन के अंदर पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी और सारी टीम भी हम घोषित करें।